हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम लोग डायरेक्टली डी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के प्लेस पे है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे है 1 और सी के प्लेस पे है ये पूरा ब्रैकेट विथ माइनस साइन, तो हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6। तो ये हो गया फिर फर्दर 25 प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए माइनस 24। तो ये आ गया 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस 25 माइनस 24, ये आ गया प्लस 1। तो ये तो फॉर्मूला में फिट हो रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया d का वैल्यू। अब x को कैलकुलेट करते हैं हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पे है 5 प्लस माइनस रूट डी, डी के प्लेस पे आ जाएगा 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2a और a के प्लेस पे 1 आ गया। तो x इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 2a प्लस 1 अपॉन 2। तो एक बार हम लोग प्लस साइन के साथ ले लेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ। तो एक बार ये x का वैल्यू आ गया माइनस 5 प्लस 2a प्लस 1 बाई 2 और x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 2a प्लस 1 बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2a प्लस 1 बाई 2। तो ये बन जाएगा 2a माइनस 5 प्लस 1, ये हो गया माइनस 4 बाई 2। तो x इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो ये हो गया a माइनस 2 बाई 2, 2 और 2 कट जाएगा, तो सिर्फ x का वैल्यू आ गया a माइनस 2 इक्वल टू a माइनस 2। और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 2a माइनस 1 हो गया बाई 2। x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 6, तो माइनस 2a माइनस 6 अपॉन 2। x इक्वल टू माइनस 2 अगर कॉमन ले लें हम, तो यह बच जाएगा a प्लस 3 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू आ गया माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस 3।